हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग सिखाने वाला हूं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी। तो वहां से मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि इस एडिटिंग का ट्यूटोरियल हमें चाहिए। तो आपके लिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपने इस पिक का एडिटिंग का पूरा मैनिपुलेशन एडिटिंग का अपने मोबाइल के अंदर ही एडिटिंग का ट्यूटोरियल बनाया है। तो आप इसे इंजॉय कीजिए, वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की फोटो आपके क्लिक करनी पड़ेगी और सिंपली आप उसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप चले जाएंगे सीधा ड्रॉ टूल के अंदर और ड्रॉ टूल के अंदर से मदद से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से इरेज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो पहले देख लेना अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना था। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इरेज कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से इरेज कर दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस फोटो को सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फोटो को यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर से आकर से इसे सेव कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा मेन बैकग्राउंड है, ये आप बैकग्राउंड आप अपने मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ में जो और भी PNGs वगैरह इसके साथ लग रहे हैं तो आप इससे भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इस बैकग्राउंड को यहाँ से पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर देना है और सिंपली चले जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपली चला जाता हूँ ड्रॉ टूल के अंदर और अभी भी हमने जो एक सिंपली हमें क्या कर देना है, यहाँ पर एक फोटो लेयर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली उस पर क्लिक करके अपनी मॉडल वाली फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसका हमने बैकग्राउंड अभी अभी रिमूव किया था। तो सिंपली मैं अपनी मॉडल वाली फ़ोटो को जब बैकग्राउंड से रिमूव किया था उसे मैं यहाँ से लेकर आता हूँ और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ अच्छे से, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ओके गाइस, जहाँ पर हमने मॉडल को अपने बैकग्राउंड से अच्छे से एडजस्ट कर लिया तो सिंपली हमें जाना है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर ऑलरेडी दो लेयर होते हैं तो सिंपली हमें एक और लेयर लेना है, एम्प्टी लेयर, और जो हमारे मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में इसे लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके गाइस, तो हमें यहाँ से शेडो बनानी है तो सिंपली हमें जाना है यहाँ पर, कलर हमें ब्लैक चूज़ कर देना है और यहाँ पर आपका ब्रश है, जो ब्रश भी आपको ये वाला ब्रश आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ओपेसिटी और इसे सेट कर देता हूँ। अब सिंपली अपनी फ़ोटो को यहाँ से जूम कर लेना है और यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से इस तरह से ब्रश चलाना है ताकि हमारी बैकग्राउंड और फोटो के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी शेडो बन जाए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पर ब्रश कर देना है ताकि शेडो जो है हमारी फ़ोटो की वो ओरिजिनल लगे, ताकि फेक ना लगे, यानी कि फ़ोटो एडिट करी हुई ना लगे। तो इसके लिए हम हल्के हल्के से कुछ इस तरीके से शेडो बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपने शूज़ पर करूँगा और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में कर दूँगा ताकि हमारी फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। और ओके गाइस, हमें वापस एक लेयर बनानी है, एम्प्टी लेयर पर जाना है और वापस से थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ से, और ऑपेसिटी कम करने के बाद थोड़े से शूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा इसे, तो यहाँ पर मैं ऑपेसिटी कम करके अपने शूज़ के ऊपर से थोड़ा सा होगा हल्का हल्का यहाँ से ब्रश चलाएंगे ताकि जो है हमारे शूज़ के अंदर भी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आ जाए ताकि फ़ोटो ओरिजिनल और रियलिस्टिक लगे। तो ओके, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ओके, करने के बाद तो यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर पूरा काम हो चुका है। तो सिंपली यह सेम प्लस राइट पर क्लिक कर देंगे और हमारी फ़ोटो को यहाँ से सेव कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा काम हो चुका है तो सिंपली हम कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा PNGs यहाँ पर लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर ऐड वाली बटन पर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ये वाली PNG यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। कम करने के बाद थोड़ी सी इसे ओपेसिटी इसकी कम कर लेंगे और यहाँ पर जिसका बेंडिंग मोड है जिसे हम स्क्रीन कर देंगे। तो ओके गाइस, यहाँ पर आपको ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी 86 कर दिया और यहाँ पर इसकी बेंडिंग जो है इसे बेंडिंग मोड को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी स्क्रीन मल्टीप्लाई कर देना। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो सिंपली हम इसे डन कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके इसे डन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद
क्लिक करने के बाद हमें और एक पीएनजी ऐसे लगाएंगे, तो सिंपली हम जाएंगे वापस से ऐड फोटो के टूल पे और यहाँ पर हम एक और फोटो लिंक पीएनजी लेंगे, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरे इमेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली मैं इसे ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे इसकी एडजस्ट करके इसे साइज़ थोड़ी सी कम करके यहाँ पर अच्छे से लगा लेता हूँ, ताकि हमारी फ़ोटो में और भी अच्छा अट्रैक्टिवनेस मिल जाए। तो इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा पूरा वर्क काम हो गया है। तो सिंपली हम जाएंगे वापस से ड्रॉ टूल के अंदर और अपनी फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड सेव कर देंगे फुल एचडी के अंदर। तो सिंपली मैं चला जाता हूँ ड्रॉ टूल के अंदर और यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ से सेव कर देता हूँ थ्री डॉट्स को दबाने के बाद। अब सिंपली हम ओपन करेंगे अपना लाइटरूम एप्लीकेशन और गाइस यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो के थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं तो अपनी फ़ोटो की कलर एडजस्टमेंट अपने अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप भी आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये अपनी हर फोटो का एडजस्टमेंट अपनी अलग अलग हिसाब से होता है, तो आप अपनी फ़ोटो का कलर का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैंने अपने थोड़े से इसको एडजस्टमेंट किया है। तो आप भी इसे ज़रूर देखें। एंड फाइनली गाइज, हमारे वाला लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर पूरी कलर ग्रेडिंग होने एडजस्टमेंट होने के बाद हमारी फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छे से लगा, समझ में आ गया हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें।